हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी को ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। और फ्रेंड्स, ये कुछ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए, कैलन को भी मैंने बताया था आप लोगों को कटिंग से लगाना, तो ये मेरे रेडी हो गए हैं। कुछ मैंने ट्रांसप्लांट कर दिए हैं, ये देखिए, और ये इनमें सब में कलियाँ आ गई हैं। और कुछ ये बाद में जो मैंने लगाए थे, ये कुछ हो रहे हैं रेडी। ये कुछ पत्तियाँ मैंने लगा दी थी, और ये अजेलिया है। और बस अब सारे जो कैलन कोइज हैं, ये ब्लूमिंग के लिए रेडी हैं। तो फ्रेंड्स, मैं नर्सरी गई थी, और नर्सरी से जो मैं प्लांट्स लेकर आई हूँ, मैं आज आप लोगों को वो दिखाना चाहती हूँ। प्लांट्स कुछ का, क्योंकि मुझे 3-4 दिन हो गए हैं और मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए हैं। जो धूप में रखने थे वो मैं ऊपर टेरेस पर लेकर आई हूँ, और जिनको कम धूप चाहिए थी वो मेरे नीचे बालकनी में रखे हैं। मैं सभी को, आपको सभी से मिलवाऊंगी कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। मुझे जो मिले चाहिए थे मुझे वो तो नहीं मिले, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मैं ये 2 क्राइजांथमम लेकर आई हूँ। इनको मैंने कल ही रिपॉट किया है, और ये एक वाइट है, और इसकी पॉटिंग सॉइल पे भी मेरा वीडियो रेडी हो रहा है कैसे, क्योंकि इस बार मैंने अपनी पॉटिंग सॉइल जो है वो चेंज की है, और मैं देखना चाहती हूँ कि मुझे इसके क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये 2 मैं क्राइजेंथेमम लेकर आई हूँ, ये मुझे 80 रुपीज़ ईच मिले हैं। ये साल्विया है, और साल्विया के मैं 3 कलर्स लेकर आई हूँ। देखिए, एक ये कुछ लाइट पिंक, पीच ऑरेंज, लाइट ऑरेंज है कुछ, एक ये वेरीगेटेड है शेड में है, और एक ये पर्पल है। रेड उनके पास था नहीं, सोल्ड आउट हो चुका था। ये मुझे 50 रुपीज़ ईच मिले हैं। ये एक वेरीगेटेड कैलन को ही मुझे मिला है, 130 का उन्होंने दिया है मुझे, 150 था, 130 का उन्होंने दिया है। एक मैं ये लेकर आई हूँ। प्लांट भी काफ़ी इनका जो है ये काफ़ी हेल्दी है, आप देखिए, काफ़ी अच्छा प्लांट है। नेक्स्ट मैं लेकर आई हूँ ये है पॉम पॉम वैरायटी का डहेलिया है ये, और ये डहेलिया जो है ये, इसके 2 कलर्स मैं लेकर आई हूँ। ये कुछ रेड टाइप का है, देखिए, मैं पास से दिखाती हूँ, कुछ रेड टाइप का है ये, और एक वाइट लेकर आई हूँ, वो नीचे रखा हुआ। ये मैं रोज़ लेकर आई थी, मैंने इसको रिपोर्ट किया, और इसकी जो थी ये पंखुड़ियाँ थोड़ी झड़ गई हैं। ये पिंक वेरीगेटेड है, देखिए, लाइट येलो और पिंक में थोड़ा सा इस तरीके से है, ये डॉट्स हैं इसमें। और ये मैं लेकर आई हूँ, मेरा लास्ट ईयर का ये टाइगर रोज़ मर गया था, तो एक ये मैं लेकर आई हूँ। इसे मैंने परसों रिपोर्ट किया था, ये ठीक है। इसे मैंने कल रिपोर्ट किया और मैं भूल गई, मैंने इसे धूप में रख दिया, तो थोड़ा सा हल्का सा मुरझा गया है। अभी मैं छाँव में रख दूँगी तो ठीक हो जाएगा। और मैं साथ में लेकर आई हूँ ये पिटूनिया, देखिए, एक ही उनके पास में फ्लावर था, जिस एक ही पेड़ था जिसमें पौधा था जिसमें फ्लावर था, और ये कुछ पिंक कलर का है, और अभी खिला भी नहीं है शायद, देखिए, बड़ा सुंदर कलर है। तो उनके अभी फ्लावरिंग हुए नहीं थे इसलिए मैं लेकर नहीं आई, तो ये मैं लेकर आई हूँ। अब रोज़ मुझे मिले हैं 60 रुपीज़ ईच मिले हैं मुझे 2 प्लांट्स, और ये है, ये भी 60 रुपीज़ का मुझे एक पड़ा हुआ है, और क्या है, हाँ, ये 30 रुपीज़ का मुझे पड़ा है। साथ ही मैं लेकर आई हूँ कृष्ण कमल, मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं पिंक कृष्ण कमल लेकर आई हूँ, ये वाला, और ये उन्होंने मुझे 80 रुपीज़ का दिया। हालांकि काफ़ी छोटा प्लांट है ये, लेकिन अभी रिसेंटली मैं लेकर आई थी रेड कृष्ण कमल, मेरा लास्ट ईयर का जो था वो मर गया था, तो मैं नया लेकर आई थी। ये पिंक कृष्ण कमल है, इसकी लीव्स भी बता रहे हैं, और इसमें जितने भी फ्रूट्स होते हैं ना, वो पैशन फ्रूट होते हैं, उनको खाया जाता है। मैं बड़ा इस चीज़ पे मैं रिसर्च कर रही हूँ कि जितने भी वैरायटी के, इसके काफ़ी सारे, पासिफ्लोरा इसे बोलते हैं, मेरे चैनल पर इसको, इसकी केयर को लेकर वीडियो भी है कि किस तरीके से लगाना है। और तो ये मैं लेकर आई हूँ, ये 80 रुपीज़ का है। अब चलिए हम देखते हैं कि बाकी और क्या क्या मैं लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हैं हम अपने बालकनी में, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं और क्या लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं जरबेरा लेकर आई हूँ, जिसमें से 4 टिशू कल्चर वाले हैं, और ये 2 जो है, एक ये पिंक है और एक ये वाइट, ये प्लेन है, तो ये मुझे पड़े 100 रुपीज़ और ये 130 ईच मुझे पड़े हैं। ये साथ में एक मैं सेंसिवेरिया लेकर आई हूँ, ये बड़ी वैरायटी है,
और दो जुरेनियम लेकर आई हूँ। मैंने सीडिंग नहीं की है इस साल क्योंकि काफ़ी तेज़, लेकिन अभी मैं कर दूंगी सीडिंग्स, तो मुझे उम्मीद है कि मेरे एक महीने में सीड्स बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, और फ्लावरिंग के लिए 2 महीने में। और जेरेनियम जो है, यदि आप इन्हें छांव में रख दें तो ये साल भर फ्लावरिंग करते हैं, इनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जेरेनियम मुझे मिले हैं 80 रुपीज। और इस बार की शॉपिंग मेरी काफ़ी हुई है, मैंने बल्क में ख़रीदे हैं प्लांट्स, लेकिन मुझे और जो चाहिए थे वो मिले नहीं। तो ये देखिए, ये मैंने ऊपर आपको दिखाया था, एक ये है वाइट वैरायटी डहेलिया का, और ये 3 मैं कोलियस लेकर आई हूँ, ये मुझे पड़े 50 रुपीज। और ये लेकर आई हूँ मैं लॉन्ग पीपर, ये देखिए इसमें फली हुई है और आ रहे हैं ये छोटे छोटे, इसमें ये निकल रहे हैं। तो ये मैं एक लेकर आई हूँ, ये 80 रुपी का मिला मुझे। ये नागपुरी मीठी पत्ती है, ये पान की, ये मुझे 80 रुपीज़ की पड़ी है। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाती हूँ, ये है वेरीगेटेड पीस लिली, ये देखिए। और ये उनके पास में एक सिंगल प्लांट था और न्यू प्लांट था ये, तो ये मुझे उन्होंने 80 रुपीज़ का दिया। तो कुछ फ्रेंड्स, मैं मुझे इम्पेशंस भी लाने थे, और इम्पेशंस मैं जब लेकर आऊँगी, और कुछ सकलेंट्स, क्योंकि विंटर सीज़न एक ऐसा सीज़न होता है जब आप सकलेंट्स के लिए भी सोच सकते हैं। तो मैंने उनको कुछ सीडम्स बोले हैं, यदि मुझे मिल जाते। हाँ, और एक चीज़ और मैं लेकर आई हूँ, आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैं लेकर आई हूँ एडीनियम, ये एडीनियम की सीडलिंग है, और इसमें आप ये देख रहे हैं ये सीडम छोटा सा लगा हुआ सकलेंट, तो ये है। और ये शायद सालविया का सीड गिरा हुआ है, ये वो है। तो ये देखिए, और ये बेचारे को इन्होंने पानी दे दे के इस कदर खूब कोकोपीट में लगा रखा है, और इसे पानी दे दे के। और मैंने जब इनको पूछा, तो देखिए नर्सरी वालों को बहुत आइडिया नहीं होता है, जो अपने सिर्फ सेलिंग पर्पज़ से करते, तो उन्होंने बोला कि मैडम ये बॉन्साई वैरायटी है एडीनियम की, अब मुझे भी नहीं पता ये क्या है, जब अभी तो ग्रोथ कर रहा है, जब होगा तब मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये मेरी शॉपिंग थी, और साथ में मैं कोकोपीट की कुछ ब्रिक लेकर आई हूँ, हमारे आजकल लोकल नर्सरी में मिल जाती है, और वो ब्रिक्स मुझे पड़ी हैं 250 रुपये ईच, 5-5 किलो की, मैं 2 या 3 लेकर आई हूँ। तो मैं वो 250 रुपये ईच पड़ी है, वो काफ़ी समय के लिए यूज़ हो जाती है, अच्छा भी रहता है। तो ये मेरी शॉपिंग थी, और ओवरऑल अब इसकी कितनी कॉस्ट है, मैंने कॉस्ट नहीं लगाई क्योंकि अभी मेरी मुझे बची हुई है, क्योंकि मुझे अभी पेंजीज़ वगैरह जो लेना है, वो पेंजीज़ और भी है, इम्पेशंस हैं, पेंजीज़ हैं, और देखते हैं इस बार नया क्या मिलता है। तो जब भी मैं जो भी लेकर आऊँगी, तो मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, आपको हेल्पफुल साबित होगा। तो हम फिर मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ में, अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।